इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है कि जो यह शब्द दिया गया है इसके अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, यही हम लोगों को बताना है। और आपके सामने है मेरे प्यारे साथियों आरआरबी अहमदाबाद, ये परीक्षा में पूछा हुआ रेलवे में 2007 में और टीसीसीसी में 2008 में गोरखपुर में पूछा गया है इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को ही। तो यहाँ पर बताना है कि जो शब्द दिया गया है इन शब्द का यूज करके कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है, यही बताना है हम लोगों को। सबसे पहले हम बारी बारी से सारा ऑप्शन को चेक करेंगे। देखो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जैसे ऑप्शन ए में जी है, उसके बाद एल है, ऊपर में जी भी है एल भी है, उसके बाद यू है। मेरे प्यारे साथियों ऊपर में कहीं भी यू लेटर का यूज नहीं किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर यू लेटर का यूज आ गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यू लेटर ऊपर में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी को अब हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ए है। उसके बाद मेरे दोस्त देख रहे हैं ऊपर में कहीं भी ए लेटर का यूज नहीं किया गया है, देख रहे हैं कहीं भी ए लेटर का यूज नहीं किया गया है, और जबकि ऑप्शन नंबर बी में ए लेटर आ गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? पी एस वाई ऊपर में है, सी है, एच है, ई। मेरे दोस्त ऊपर में कहीं भी ई लेटर का यूज नहीं किया गया है, तो ई बताए ऑप्शन नंबर सी में भी हम ई लेटर का यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, बात बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्कूल, एस है ऊपर में, बिल्कुल है एच, एस के बाद सी एच है, बिल्कुल सी एच है। उसके बाद डबल ओ है, एल है, बिल्कुल डबल ओ यहाँ पर है और एल है। इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर डी बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी बना सकते हैं, बाकी नहीं बना सकते, ऑप्शन नंबर डी बना सकते हैं। ठीक है दोस्त। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। यदि आप एसएससी या रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे साथियों, क्या कह रहे हैं ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है कर, यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा होगा। क्वेश्चन समझे हैं? यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा होगा। मेरे प्यारे साथियों आपके सामने है रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा जो 15 मार्च 2021 में हुआ था, उस दिन इसको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो हम इसको कैसे करेंगे और किस तरीका से करेंगे मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर होगा क्या, देखो आज कौन सा दिन है? मंगलवार है। आज क्या है? मंगलवार है। क्वेश्चन बता रहा है कि आज मंगलवार है, ठीक है, तो 64वां दिन कौन सा होगा, यानी 63 दिन के बाद 64वां दिन आता है। तो ये बताइए मेरे प्यारे साथियों जो 64 दिन है इसको 63 दिन प्लस 1 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, चाहो तो तुम ऐसे भी इसको 7 से भाग देकर विषम दिन निकाल लो। 64 में 7 से भाग दो के विषम दिन निकाल लो, 7 9 63, 6 6 कट गया, 4 में से 3 जाएगा, 1 1 क्या बचा भाई, शेष बचा। अच्छा 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है। तो 63 दिन बीत जाएगा, उसके बाद जो एकवा दिन एक विषम दिन बचेगा यही 64वां दिन होगा, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा गया तो यदि आज मंगलवार है तो 64वां दिन कौन सा होगा, तो 64 को जब हमने 7 से भागा किया तो शेषफल बचा 1, तो मंगलवार में हम एक दिन जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि कैलेंडर में हम लोग 64 दिन आगे जा रहे हैं, इसीलिए मंगलवार में एक दिन हम ऐड कर देंगे। तो मंगलवार में एक दिन ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? बुधवार मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? बुधवार। समझ पा रहे हो? बुधवार इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि प्यारे साथियों 64वां दिन यानी 64वां दिन 63 दिन के बाद जो 64वां दिन आता है वो कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखेंगे। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, जो ई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिख रहा है, और 2014 में ग्रुप डी में इसको पूछा गया है ना। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है, 2 है, सीरीज को लिखते हैं 2 है, उसके बाद में 3 है,
उसके बाद में 8 है, उसके बाद में 27 है, उसके बाद में 112 है, उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैचिंग करेगा। सबसे पहले देखेंगे कि 2 से 3 कैसे बना सकते हैं। मेरे प्यारे साथी, अगर हम 2 को 1 से गुना कर दे और 1 को जोड़ दे तो 2 एकम 2 आप प्लस 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। इनको गुना कर दे हम 1 से, 2 एकम 2 आप प्लस इसमें 1 ऐड कर दे तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 से 8 बनाया है, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, इसको हम गुना कर दें 2 से, ठीक है, और प्लस 2 कर दे, जिनसे गुना उसी को प्लस, तो 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, 8 से 27 बना, इनको हम 3 से गुना कर दें और प्लस इसमें 3 कर दे तो 8 त्रिकी 24 3 27 बन जाएगा। उसी प्रकार हम 27 से 112 बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 को 4 से गुना करके और इसी प्लस 4 इसी को कर देंगे तो 27 चौका कितना होता है भाई, 7 चौका 28 के 8 हासिल कितना, 2 4 दूनी 8 और 2 10 110 होता है। 110 में हम 4 को 108 होता है, 108 में हम 4 को जोड़ेंगे 112 आराम से बन जाएगा। यानी कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो क्वेश्चन में लॉजिक लगा वो क्या क्या लगा भाई, जो लॉजिक लगा है वो लगा है कि गुना 1 प्लस 1, पहले गुना 1 फिर प्लस 1, यानी जिस नंबर से गुना किया जा रहा है उसी नंबर को प्लस किया जा रहा है, तो 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4, तो अगली बार गुना 5 से करना होगा और प्लस इसमें 5 को ऐड करेंगे, करो तो 112 गुना 5, तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जानते हैं कितना, 112 गुना जब हम लोग 5 करेंगे तो हो जाएगा, गुना करके देखते हैं 5 दूनी, यहाँ पर करके देखते हैं 112 गुना करेंगे हम 5 से तो कितना बनेगा, 5 दूनी 10 के 0 कैरी कितना 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 एकम 5 560 हो जाएगा। इसमें प्लस का जैसे ही 5 करेंगे मेरे प्यारे साथियों 565 होगा, और 565 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ध्यान से देखेंगे 500 ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है दोस्त। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग एक क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे, अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी कुट भाषा में जैसे CHILD को 41 29 83 लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में जैसे ADULT को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपके सामने NTPC में इसको भी पूछा गया है 2021 में। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे दोस्त कि यहाँ पर क्या लॉजिक है, जैसे यहाँ पर CH है, उसके बाद में I है, उसके बाद में L है, उसके बाद में D है, इनको कोड किया गया है, जैसे 41 है, उसके बाद में 29 है, उसके बाद में 83 के रूप में कोड किया गया है, समझ पा रहे हो। हम लोगों से फाइनली में पूछा गया है कि ADULT इनका कोड क्या होगा। दोस्त सबसे पहले ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक है, सबसे पहले देखेंगे हम कि यहाँ पर जो लेटर का प्लेस वैल्यू है केवल उसी को लिखा गया, बस जो इस प्रकार है ना इसको लिख दिया गया है इस प्रकार से। कैसे भाई, ध्यान से देखो, यहाँ सबसे पहले D को लिखा गया, D का स्थान होता है 4 तो 4 को लिखा गया, समझ पा रहे हैं, D का स्थान होता है 4 तो 4 को लिखा गया, L का स्थान होता है 12 तो 12 को लिखा गया, I का स्थान होता है 9 तो 9 को लिखा गया, H का स्थान होता है 8 तो 8 को लिखा गया, C का स्थान होता है 3 तो 3 को लिखा गया, यानी केवल इसको इस साइड से लिख दिया गया है, बस बात खत्म। तो उसी प्रकार इसको भी हम जो इस साइड से है ना इनको भी हम लिख देंगे इस प्रकार से, समझ पा रहे हो। कैसे करेंगे, यहाँ जो T है, T का स्थान कितना होता है 20 होता है, L का स्थान 12 होता है, U का स्थान 21 होता है, D का स्थान 4 होता है, A का स्थान 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 12 21 41 ऑप्शन नंबर D इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आजकल जो रेलवे में एग्जाम होने वाला है ना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहने वाला है, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग देखना ना भूलिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल मिस ना हो। कर कितने पत्थर
न तो कुत्ते और न ही बिल्ली है। देखो सबसे पहले ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, देखो हमने क्वेश्चन को पहले समझा रहे, और ये भी रेलवे एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया है। देखो ये जितना भी त्रिभुज वाला पार्ट है ना, ये सारा क्या है, ये सारा है बिल्ली, समझ पाए हो? अच्छा, जितना भी ये सर्किल वाला पार्ट है, जितना भी सर्किल वाला पार्ट है, इस सर्किल को किन से डिनोट किया गया है, कुत्ता से। अच्छा, जितना भी ये आयत है ना, इस आयत को किन से डिनोट किया गया है, जितना भी आयत है इनको डिनोट किया गया है मेरे दोस्त पत्थर से, ठीक है। यानी जितना भी त्रिभुज है ये क्या है, बिल्ली है, जितना भी सर्किल है ये क्या है, कुत्ता है, और जितना भी आयत है ये क्या है, पत्थर है। लेकिन अब तुम क्वेश्चन में जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है कितने पत्थर, न तो कुत्ते और न ही बिल्ली है, यानी कि केवल और केवल जो आयत में उपस्थित नंबर होगा, वनली आयत, वही आंसर होगा, वो ना तो बिल्ली होनी चाहिए और ना ही कुत्ता होना चाहिए। कितने पत्थर, न तो कुत्ते और न ही बिल्ली है, यानी केवल आयत में होना चाहिए, वो वृत्त में भी नहीं होना चाहिए और वो त्रिभुज में भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्त ऐसा केवल और केवल छः ही ऐसा पत्थर है जो केवल और केवल पत्थर है, ना तो बिल्ली है और ना ही कुत्ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि देखो आयत के भीतर में दो भी आ रहा है, चार भी आ रहा है और सात भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो चार है, जो चार नंबर है, एक कुत्ता सॉरी पत्थर और बिल्ली के भीतर आ जा रहा है, इसीलिए इनको नहीं लेंगे। जो सात है एक कुत्ता और पत्थर के बीच में आ जा रहा है, जो दो है वो तीनों के बीच में आ जा रहा है, इसीलिए हम इनको नहीं लेंगे। केवल पत्थर पूछा है तो केवल आयत में होना चाहिए वह नंबर उपस्थित, जो कि कितना है, तो ऐसे छः पत्थर हैं जो ना तो कुत्ता और ना ही बिल्ली है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है दोस्त, तो मुझे आशा और भरोसा है कि आप लोग एक क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है शब्द, जो शब्द दिया गया इसके अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले इसको बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं जी एल यू, यहाँ पर यू लेटर है, देखो ऑप्शन नंबर ए में यू लेटर है, जबकि मूल शब्द में कहीं भी यू लेटर का यूज नहीं किया गया है, इसीलिए ऑप्शन ए हम नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देखेंगे दोस्त कि ए है, जबकि ऊपर में कहीं भी ए लेटर का यूज नहीं है, तो हम ए लेटर इसमें नहीं ले सकते, इसीलिए बी गलत। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देख रहे हैं कहीं भी, मेरे प्यारे साथियों, P है बिल्कुल है, S है बिल्कुल है, Y है बिल्कुल है, C है, H है, ऊपर में कहीं भी E लेटर का यूज नहीं किया गया, E लेटर का यूज नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर C भी हम नहीं बना सकते। बचा ऑप्शन नंबर D, यही बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हूबहू जितना भी इसमें लेटर है सारा लेटर इसमें उपस्थित है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कह रहे देखो 2014 में इसको पूछा गया था जबलपुर में, आरआरसी ग्रुप डी में। कह रहे यदि जैसे वर्टिकल इस शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में अनुसार, यानी वर्णानुक्रम के अनुसार पुनः लिखा जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब जो यहाँ पर वर्टिकल जो वर्ड दिया गया है इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाए, तो कितना ऐसा लेटर होगा जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब ऐसा कितना लेटर है जो दूसरे स्थान पर है, अगर लेटर के प्लेस वैल्यू यानी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो वो दूसरे स्थान पर ही रहेगा, यही पूछा गया। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इसको लिखेंगे, जैसे भी है, उसके बाद में ई है, उसके बाद में आर है ना, वी ई आर, उसके बाद में टी है, उसके बाद में आई है, उसके बाद में सी है, उसके बाद में ए है, उसके बाद में एल है ना, इनको लिखा जाएगा वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो ये बताइए इस वर्ड में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले ए आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ए आता है, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद में सी आएगा, तो सी आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ई आएगा, तो ई आ जाएगा यहाँ पर।
अब देखो हमारे पास क्या बचा, वी आर टी आई एल, तो सबसे उसके बाद क्या आएगा, आई आ जाएगा, बहुत बढ़िया, आई भी हो गया। उसके बाद एल आ जाएगा, एल भी आ गया। अच्छा अब देखो क्या आएगा, तो इसके बाद में आर आएगा, क्योंकि आर 18 पे होता है, आर आएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद टी और वी में सबसे पहले टी आएगा, उसके बाद में वी आएगा। तो मेरे दोस्त जब हमने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनको व्यवस्थित कर दिया यहाँ पर, तो क्या इसमें ऐसा कितना नंबर है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है? तो मेरे दोस्त जितना भी लेटर है सारा लेटर का स्थान परिवर्तन हो गया है, ऐसा एक भी लेटर नहीं है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ हो, सारा लेटर का स्थान परिवर्तन हो गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, यानी जो सारा लेटर का भी स्थान परिवर्तन हो गया। देखो परिवर्तन का मतलब समझते हैं, पहले ए था यहाँ पर तो ई आ गया यहाँ पर, भी था यहाँ पर तो ई चला गया यहाँ पर, ई था यहाँ पर तो ई आ गया यहाँ पर, यानी ई दूसरे स्थान पर था तो ई तीसरे स्थान पर आ गया है, इसका मतलब ई है। भी पहले स्थान पर था तो भी सबसे लास्ट में चला गया है, ये ई मतलब होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये भी 2021 का पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए, पूछा है ना। सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं क्योंकि स्पेस की थोड़ा कमी है, तो जो यहाँ पर टैग दिया हो इसको हम मिटा दें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोनो परेशानी नहीं है। चलो तो इसको हम मिटाते हैं सबसे पहले। ताकि बनाने में स्पेस हमें अधिक से अधिक मिल सके, सबसे पहले देखेंगे मेरे प्यारे साथियों ध्यान से, यहाँ पर देखो जब भी हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे तो जानते हैं जहाँ भी पुरुष कैंडिडेट होगा, पुरुष होगा तो पुरुष को हम लोग बंद करेंगे मेरे प्यारे साथियों त्रिभुज में, और जहाँ भी महिला कैंडिडेट होगा, महिला कैंडिडेट होगा उसको हम लोग बंद करेंगे, जानते हैं किस में, महिला को बंद करेंगे सर्किल में। ये बात को विशेष रूप से आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहले ये बात बताइए कि ये क्वेश्चन को अब तुम बनाओ, क्वेश्चन कह रहा है दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, जहाँ भी पुरुष होगा उसको त्रिभुज में बंद करेंगे, जहाँ भी महिला होगा उसको सर्किल में बंद करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सी एफ की बहन है। देखो जो सी है ना वो एफ की बहन है, तो एफ की बहन है तो संगे संगे दोनों बनेगा, यानी सेम जनरेशन में बनेगा। और सी क्या है, बहन है, इसका मतलब सी का जेंडर हम लोगों को मालूम चल गया कि क्या है, फीमेल है, महिला है, तो इसको बंद करेंगे हम सर्किल में, बहुत बढ़िया। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं, यानी सी क्या है, एफ की बहन है, तो एफ के संगे संगे ही रहेगा, यानी एफ के साथ में रहेगा। अच्छा बहन है इसका मतलब क्या है, महिला है, इसीलिए इसको हमने बंद कर दिया सर्किल में। ये बात को समझे हैं बिल्कुल। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है ए बी का पिता है, बहुत बढ़िया, जो है क्या बता रहा है, ए जो है वो बी का पिता है, तो ए ऊपर रहेगा और बी नीचे रहेगा, क्योंकि पिता हम लोगों से जनरेशन में ऊपर आते हैं, तो ए बी का पिता है, तो ए जो है वो बी का पिता है, तो बी से ऊपर रखेंगे। और जब पिता है इसका मतलब ये पुरुष होगा, इसीलिए इसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे। बात समझ में आया, ए बी का पिता, ई का पति और डी का इकलौता पुत्र है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ए बी का पिता, ई का पति, ई का पति कौन, ए, ए जो है वो ई का पति है, ई का पति है, इसका मतलब जो ई है वो क्या होगी, पत्नी होगी। अच्छा ये दोनों पति पत्नी है तो इन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल का यूज लगा देना, इन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल का यूज लगा देना, जिससे मालूम चले ये दोनों क्या है, पति पत्नी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने बनाया ए बी का पिता, ई का पति और डी का इकलौता पुत्र है, और वर्ड का जो यूज होता है वो फर्स्ट नाम के लिए, तो फर्स्ट नाम कौन है, ए है, इसका मतलब जो ए है वो डी का इकलौता पुत्र है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा, तो डी का इकलौता पुत्र, यानी डी का इकलौता पुत्र ए है, तो ए से ऊपर डी आ जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहते हैं डी एफ का दादा है, डी एफ का दादा है, यानी दादा कौन होते हैं भाई, पिताजी के जो पिताजी होते हैं वही दादा होते हैं, तो एफ आ जाएगा यहाँ पर, एफ यहाँ पाएगा, तो एफ के पिताजी हो जाएंगे ए, ए, ए एकलौता पुत्र है डी का, तो ए का जो बेटा होगा
ठीक है, या बेटी होगी उसी का तो पिता दादाजी होंगे डी, तो बिल्कुल बात सही है। तो जो ए का बच्चा एफ होगा तभी एफ के जाके दादाजी बनेगा डी, और दादा है इसका मतलब पुरुष, इसीलिए इसको भी हमने बन कर दिया त्रिभुज में। क्वेश्चन क्या कहा था, ए डी एफ का दादा है और ए का, यहाँ तक हमने बात समझ में। अच्छा, एक ये बात बताइए, जो यहाँ पर सी और एफ हमने यहाँ पर बनाया था, तो जब एफ यहाँ पर आ गया तो मैं सी को यहाँ पर रख सकता हूँ, बिल्कुल, और सी क्या है, महिला था, तो इसको हमने महिला बना दिया। अब हम करेंगे क्या मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अब इसको हम मिटा सकते हैं, इसको अब हम मिटा सकते हैं कि नहीं मिटा सकते हैं, चलो इसको हम मिटा दें। जब उसका इसका यूज हमने कर लिया तो इसको हम मिटा सकते हैं। अब देखो यहाँ तुम्हारा फैमिली ट्री बन के रेडी हो चुका है, फैमिली ट्री तुम्हारा बन के रेडी हो चुका है दोस्त, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अब करो क्या कि तुम्हारा फैमिली ट्री बन के इतना सा ही हो चुका है, इससे कितना भी आंसर दिया जा सकता है। अच्छा, हम लोगों से पूछा गया है ए के कितने संतान है, यहाँ देखो ए के कितने संतान है भाई, तीन संतान है, ए के तीन संतान है, बी एफ और सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है ना कि फैमिली ट्री हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हमारे चैनल पे ब्लड रिलेशन का एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ से उसको जरूर वॉच कीजिए और जरूर देखिए, तब फैमिली ट्री बनाने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है किस चीज़ का है भाई, डायरेक्शन का। कह रहा है यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा। सबसे पहले देखो ये 2018 का क्वेश्चन है, हम लोग जब भी डायरेक्शन पढ़ते हैं तो डायरेक्शन में हमारे पास चार डायरेक्शन होती है मेन, और चार डायरेक्शन होती है उप डायरेक्शन। सबसे पहले मेन डायरेक्शन होता है उसको बनाओ, हमेशा मेरे दोस्त ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। अच्छा, दाहिने बगल में हमेशा पूर्व होता है। अच्छा, ऊपर में उत्तर हो गया तो इसका अपोजिट नीचे में हो जाएगा दक्षिण। अच्छा, दाहिने बगल में पूर्व हो गया तो बाएं बगल में क्या हो जाएगा, पश्चिम। ये बात तो सबको ही जानता है। अच्छा, चार हमारी और डायरेक्शन भी होती, इनके बीच में चार डायरेक्शन और होती है, कौन कौन सी, ध्यान से देखेंगे। चार उप डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी, देखो उत्तर और पूर्व के जो बीच में दिशा है उसे बोला जाता है उत्तर पूर्व, समझ पा रहे हो। अच्छा, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले दिशा को बोला जाता है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अच्छा, दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होती है, दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होती है, दक्षिण और पूर्व, समझ पा रहे हो। अच्छा, उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा होती है, उत्तर और पश्चिम। ये बात को समझे कि नहीं समझे, देखो ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, दाहिने बगल में पूर्व और बाएं बगल में पश्चिम, और उत्तर और पूर्व के बीच वाले दिशा को उत्तर पूर्व बोला जाता है। अच्छा, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले दिशा को दक्षिण पश्चिम बोला जाता है। अच्छा, दक्षिण और पूर्व वाले बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व बोला जाता है। यहाँ पर उत्तर और पश्चिम के बीच वाले दिशा को उत्तर पश्चिम बोला जाता है, ये बात तो सब कोई जानता है। अब तुम क्वेश्चन को बनाना शुरू करो, सबसे पहले यहाँ पर देखो, अब बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाए, यानी पूर्व दिशा किधर है, इधर है, ये क्या बन जाए, जो पूर्व है वो क्या बन जाए भाई, ध्यान से देखिए, जो पूर्व दिशा है ये कौन सा दिशा बन जाए, उत्तर पूर्व हो जाए, उत्तर पूर्व, यानी पूर्व किधर है, इधर है, इसको क्या बनाना है, पूर्व, इसको उत्तर बनाना है, और उत्तर जो पूर्व दिशा यहाँ पर है यह क्या बन जाना चाहिए, उत्तर पूर्व, तो इसको ऊपर घिसका देंगे हम तब जाके उत्तर पूर्व बनेगा, यानी 45 डिग्री घड़ी के चलने के उल्टे दिशा में एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे तो जो पूर्व दिशा है वह उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है तो पश्चिम क्या बनेगा, हो पश्चिम कहाँ पर है, तो पश्चिम यहाँ पर है, पश्चिम यहाँ पर है, तो ये क्या बनेगा भाई, ये क्या बनेगा, पश्चिम यहाँ पर है तो इसको भी 45 डिग्री घुमाना पड़ेगा, क्योंकि जब एक डायरेक्शन 45 डिग्री घूमेगा तो सारा डायरेक्शन भी 45 डिग्री घूम जाएगा। तो पश्चिम दिशा जो ई साइड में है ये 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, इसको भी जब हम घुमाएंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है यही इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण, ओ माय गॉड, दक्षिण पश्चिम में होगा, हो दक्षिण पूर्व ही लिखा गया है गलती से, चलो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ जो तो जो पूर्व है ना
इसको बनाओ पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इसका आंसर होगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखें। कर रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा यही बताना है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले इसे नीचे हम लोग लिखते हैं, क्या है बी है, उसके बाद में बी एच सी, यहाँ पर क्या है डी जे और ई है, आगे क्या है एफ एल और जी है, अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम लोगों को बताना है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से बी से डी कैसे बना है, बी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में बी होता है, डी का चार होता है, तो यहाँ दो से चार बना है प्लस दो किया गया है, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार डी से एफ देखेंगे, डी का स्थान चार होता है, एफ का स्थान छः होता है, यहाँ भी प्लस दो हो रहा है, तो उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों एफ में प्लस का दो हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि फर्स्ट लेटर जो भी है उसमें प्लस का दो हो रहा है, तो एफ का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में छः होता है, प्लस दो करेंगे तो आठ बनेगा, आठवां लेटर होता है हम लोगों का एच, तो एच रखेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा क्योंकि एच से शुरू नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी एच से शुरू नहीं है। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड लेटर की ओर, सेकेंड लेटर में हम लोग देखेंगे दोस्त ध्यान से, यहाँ देखेंगे कि एच से जे कैसे बना है, एच से जे कैसे बना है मेरे प्यारे साथियों। एच का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में आठ होता है, जे का स्थान दस होता है, आठ से दस बना, यहाँ भी प्लस टू हुआ है। अच्छा यहाँ देखेंगे कि जे से एल कैसे बना, यहाँ भी प्लस टू हुआ है क्योंकि जे का स्थान दस एल का स्थान बारह, तो ये बताइए यहाँ भी प्लस का दो कर देंगे हम, बिल्कुल बात क्लियर है। एल का स्थान 12 होता है, दो जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14वें स्थान पर लेटर एन होता है, तो एच के बाद में ओ नहीं आ सकता, इसीलिए ऑप्शन ए गलत, बचा ऑप्शन डी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में हम ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन लास्ट लेटर बचा हुआ है तो इसको भी हम देख लेते हैं। अब लास्ट लेटर हम तो सिखा रहे हैं, एग्जाम में तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, आंसर आपका निकल गया हम बात जानते हैं, लेकिन आप लोग को हम सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सी से ई बना है, सी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में तीन होता है, ई का स्थान पाँच होता है, तीन से पाँच बना है, प्लस दो हुआ है। ई से जी है, ई का स्थान पाँच, जी का सात, यहाँ भी प्लस दो हुआ है, तो ई बते अगली बार भी प्लस का दो हो जाएगा। जी का स्थान सात में दो को हम जोड़ेंगे कितना बनेगा, नौ बनेगा, नौवा लेटर आई होता है, तो इसका आंसर एच एन आई आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया सही, ठीक है दोस्त। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एक क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार महल का संबंध झोपड़ी के साथ में है, वही रिलेशन हाथी का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा, यानी ये भी क्वेश्चन आरएस सिकंदराबाद ग्रुप डी 2013 में इसको पूछा गया। क्या है कह रहा है जिस प्रकार, देखो महल जो है वो झोप, यहाँ पर झोपड़ी है, यहाँ पर महल है ना, तो इनके बीच में क्या संबंध है। देखो जो घर होता है वो सबसे, घर का सबसे बड़ा रूप को महल कहा जाता है, और घर के सबसे छोटा रूप को झोपड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का रिलेशन है। उसी प्रकार हाथी का किनसे हो जाएगा भाई, जानवर जो है ना हाथी सबसे बड़ा है, जबकि चूहा सबसे छोटा है, जो जीव है हाथी ये सबसे बड़ा है और जो चूहा है ये सबसे छोटा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझे है कि नहीं, बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।